साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के लिए जो राजस्थान ज्योग्राफी पर टेस्ट सीरीज चलाई गई है, और ये जो टॉपिक टेस्ट है ये 6 नंबर का होने वाला है, राजस्थान की जनगणना 2011 को लेकर। तो इसके आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है ये दीनदयाल पब्लिकेशन के जो राइटर हैं होशियार सिंह जी, उनके द्वारा बनाई गई है, तो आपको ज़रूर ये फ़ायदा करेगी, तो आप ज़रूर देखना। और साथ में हमने कल्चर की भी टेस्ट सीरीज चला रखी है, तो अगर आपने वो भी नहीं देखी तो अभी ज़रूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? यहाँ पर पूछा है सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला, जैसलमेर, जालौर, धौलपुर और बाड़मेर। तो पहले के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जैसलमेर। देखिए, यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 6.7 लाख। ठीक है, 6.7 लाख। क्वेश्चन नंबर दो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है? देखिए, शिशु लिंग अनुपात है 888 और महिला साक्षरता का प्रतिशत है 52.1% और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 24.9। देखिए, जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 17.8। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, यहाँ पर गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर तीन। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल अनुसूचित जो जाति है, अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति का 17.83। ठीक है, 17.83। और यहाँ पर बात हो रही है अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति कितनी है? 13.5%। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीन, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो जिलों का यहाँ पर क्या पूछा है? अवरोही क्रम। ठीक है, तो तीन के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो, बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। क्वेश्चन नंबर चार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 6.85। ठीक, वैसे 6.85 गिनती में जाएगा, या 6.85 से कुछ ज़्यादा है तो 6.86 हो गई। ठीक है, 6.86, तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर पहला। तो कितनी हो गई ये? 6,85,48,437। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर पाँच, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम में जमाई। तो जोधपुर, अलवर, जयपुर, नागौर, यहाँ पर जयपुर, अलवर, नागौर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, नागौर, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। तो यहाँ पर पूछा है राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम, तो पाँच के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, पहले जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर, ये सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर छः, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व हैं? तो भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, भरतपुर और अलवर, और जयपुर और अलवर। तो क्वेश्चन नंबर छः के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, जयपुर और भरतपुर। ठीक है, देखिए जयपुर का था कितना? 595। जयपुर का था 595, और जो भरतपुर है, भरतपुर का कितना है? 503। तो 595 और 503। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सात, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज़्यादा से कम दर से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चुनिए। देखिए, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, कोटा, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटा, जयपुर, कोटा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। तो सात के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आठ, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? तो बीकानेर और नागौर, चूरू, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, बीकानेर और नागौर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। यहाँ पर गलत कथन कौन सा है, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% है, लिंगानुपात 982 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष हैं, तो ये गलत हैं। कुल साक्षरताएँ 66.11% और राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर ज़िले में रहती है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है। देखिए पहला ऑप्शन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई, ये सत्य है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई, ये भी सत्य है। राजस्थान की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई, ये भी सत्य है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान राज्य में 2001 और 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है, तो 7 अंकों की, 5 अंकों की, 17 अंकों की या फिर 12 अंकों की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर पहला 7 अंकों की। ठीक है, देखिए 2001 की जनगणना में राजस्थान का लिंगानुपात कितना था, 900 कितना था, देखिए 2001 में था 921। ठीक है, और 2011 में जो कितना हो गया, 7 अंकों से बढ़ाकर ये हो गया 928, पहले था 921 फिर अभी हो गया 928 2011 में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के शहरों का जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से सभी अवरोही क्रम हैं, तो जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। तो 12वां क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में धर्मों का प्रतिशत के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई और जैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 के अंदर, ऑप्शन नंबर 3, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, राज्य जनसंख्या नीति कब जारी की गई थी, 20 जनवरी 2000, 20 जनवरी 2002, 20 जनवरी 2001 और 20 जनवरी 2003। तो राज्य जनसंख्या नीति कब जारी की गई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 जनवरी 2000, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में सर्वाधिक जैन जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, पाली। तो 15वां के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के किस जिले का जनघनत्व राजस्थान के जनघनत्व के लगभग समान है, तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां और सिरोही। क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले का जनघनत्व राजस्थान के जनघनत्व के लगभग समान है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4, सिरोही। देखिए 2011 के अनुसार राजस्थान के सिरोही जिले का जनघनत्व 202 कितना है, 202 है, जो कि राजस्थान के जनघनत्व से 200 के लगभग बराबर है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष समूह में कुल जनसंख्या का प्रतिशत एवं लिंगानुपात हैं, तो 18.80% से 909 और 18.54% से 888, 12.54% से 888 और 15.84% से 909। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कितना जनसंख्या का प्रतिशत है, 15.54% और लिंगानुपात हो जाएगा 888, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 18, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या सर्वाधिक है, जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर और उदयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयपुर, ऑप्शन नंबर पहला। देखिए 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले क्रमशः जयपुर, फिर गंगानगर, नागौर और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले क्रमशः हो जाएंगे डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो गया जयपुर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 400 से कम है,
तो दूसरा भरतपुर, धौलपुर और अलवर। तो 19 के अंदर आइटम से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनसंख्या के संबंध में प्रथम लिखित प्रमाण किस पुस्तक में मिलता है, आयन अकबरी, अर्थशास्त्र, इंडिका और मारवाड़ा प्रगणारी विगत। तो जनसंख्या के संबंध में प्रथम लिखित जो प्रमाण है वो कौन सी पुस्तक में मिलता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है, जैसलमेर, धौलपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है, तो 21 के अंदर राइट आंसर हो गया प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले की कितनी है, 0.71 लाख, कितनी, 0.71 लाख। क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के वक्त राजस्थान का जनसंख्या में देश में कौन सा स्थान था, आठवां, सातवां, पहला और छठवां। तो यहाँ पर कौन सा स्थान था, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आठवां। क्वेश्चन नंबर 23, सन 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत और सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत हैं, तो इधर है ग्रामीण और इधर है नगरीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए डूंगरपुर, कोटा। ठीक है, डूंगरपुर और कोटा, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत डूंगरपुर और सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत कोटा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः हैं, तो 60.4 व 75.7, 61.44 व 75.7, 43.9 व 60.4 और 61.44 व 79.48। तो राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में ग्रामीण हो गई साक्षरता 61.44 और शहरी आबादी ये हो गई 79.48। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2001 के 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी आई है, तो धौलपुर व जैसलमेर, डूंगरपुर व उदयपुर, डूंगरपुर व राजसमंद एवं चूरू। तो 25वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर व उदयपुर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर शहरों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही आरोही क्रम होगा, तो पहला उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। दूसरा है अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। तीसरा है अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। और चौथा जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर। तो 26 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और जयपुर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है, तो भरतपुर, धौलपुर, दौसा और जयपुर। तो 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला जिला कौन सा है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, जयपुर। और जयपुर का कितना है, 595 जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम हैं, कोटा, जालौर, झुंझुनू, सिरोही, कोटा, बांसवाड़ा, सीकर, प्रतापगढ़। तो 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, कोटा और जालौर। देखिए कोटा का था 76.6% और जो जालौर है, जालौर का 54.9%। ठीक है, तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 29 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पूर्व साक्षरता है 89.70%, 59.20%, 79.20% और 69.50%। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पूर्व साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, 79.20%। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में 30 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों की संख्या है 5, 1, 7 और 3। तो 30 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर राइट आंसर है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31,
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या है, 2, 5, 2 और 3। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, 3 हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हो जाएंगे एक तो जयपुर, जोधपुर और कोटा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, प्रथम और छठा। तो राइट आंसर यहाँ पर छठा। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 34, 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना तक राजस्थान की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो राइट आंसर इसके अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा, 1 करोड़ 20,41,249, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 35 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम होगा, बूंदी, सिरोही, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, बूंदी, जैसलमेर, बूंदी, सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बूंदी, सिरोही और जैसलमेर। तो 35 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, बूंदी, सिरोही, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 36, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर और बांसवाड़ा। तो 36 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30, सॉरी ऑप्शन नंबर पहला, डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में 3 सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? झुंझुनू, बूंदी, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़। तो 37 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गंगानगर, झुंझुनू और पाली। क्वेश्चन नंबर 38, 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज करने वाले 2 जिलों का सही युग्म है? कोटा सीकर, बाड़मेर चूरू, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जैसलमेर और बाड़मेर। तो 38 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 39 है, महिलाओं की साक्षरता दर में राजस्थान में 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 6.5%, 5.8%, 8.22% और 3.5%। तो राइट आंसर इसके अंदर 8.22%। क्वेश्चन नंबर 40, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर हैं? अजमेर, नागौर, राजसमंद और भरतपुर। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, भरतपुर। भरतपुर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.4%। ठीक है, 21.4% है, जो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर है। तो ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो राजस्थान की जनगणना 2011 के। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सभी वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए। तो ये टेस्ट सीरीज जो चलाई गई है निःशुल्क है, तो आप इनका जरूर फ़ायदा उठाए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेवे, साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन किया करो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।